सो गाइस, मैं रेडी हो गई मार्केट जाने के लिए। अभी काम चल रहा है टैक्स का, बट मेरे को मार्केट जाना भी ज़रूरी है, सो मैं पहले वहाँ का काम निपटा कर आती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है फ्राइडे 11 फरवरी और सुबह के 8 बज चुके हैं, मतलब 8 बजने वाले हैं शायद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज फ्राइडे है, 11 फरवरी है और 8 बज रहे हैं इस टाइम, मॉर्निंग का टाइम है। और रात में मैंने धुलाई वगैरह नहीं की, आज करूँगी सुबह में। सो लेकर आऊँ मैं कॉलोनी, इससे मैं करूँगी शीशा साफ और फर्श साफ के करने के लिए लेकर आऊँ फिनाइल, इससे करूँगी मैं फर्श साफ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। सो कल मैंने सब ऊपर ऊपर सफाई कर ली थी, आज मैं ठीक से सब वॉश करूँगी अच्छे से, और जहाँ जहाँ पेंट के निशान है उसको भी साफ कर दूंगी। और आज फ्राइडे है, जुमा है, आज हमारे यहाँ जुमे के बाद कुरान खानी है। ओपनिंग से पहले मैंने कुरान खानी रखी है, सो वो उसकी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, बस आगे उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। सो गाइस, मैं फटाफट अब लग जाती हूँ सफाई करने में, देखती हूँ कितना टाइम लगेगा, और मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करनी है, और बाकी जो टैक्स रह गया है बाहर का वो अंकल जी आकर कर लेंगे कंप्लीट। सो लग जाती हूँ मैं फटाफट सफाई करने में, उसके बाद मेरे को रेडी होना है क्योंकि 12 बजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा, इसलिए मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करनी होगा आज। बाय बाय। सो गाइस, मैंने सब सफाई वगैरह कर ली है और अंकल जी भी आ गए हैं, अपने कलर बना रहे हैं क्योंकि ऊपर शेडो वगैरह लगी है, और मैं जा रही हूँ होम थिएटर को अनबॉक्सिंग करने। मैंने सोचा एक दो नाते लगा दी। सो गाइज, अब जुम्मे का टाइम हो गया, मैं हो जाती हूँ रेडी, नहीं तो वरना लेट हो जाएगा सब कुछ। और आज मैं दिखाती हूँ मैं आज क्या पहनने वाली हूँ। सो गाइज, आज मैं ये वाला सूट पहनने वाली हूँ और इसके नीचे फ्लैपर होगा, और साथ में मैंने ये मास्क सिलवाया है। अब मैं बता देती हूँ ये मैंने सूट कहाँ सिलवाया है, मेरी सिस ने स्टिच किया है इसको, और उसकी बुटीक का नाम है लिबास फैशन बुटीक। सो आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा, फरा अंसारी के नाम से है आईडी, मेरी सारी ड्रेसेस वही सिलती है। चलिए अब मिलते हैं। गुड इवनिंग गाइस, अब शाम हो गई है, 7 बजने वाले हैं, 7 बजने में 5 मिनट्स हैं ओनली। जब से भी गई हूँ इतनी बिजी हो गई थी कि मैं कुछ बाहर का भी शूट नहीं कर पाई कि मेरे बाहर टैक्स कैसे हो। अब रात हो गई, मैं तो अब तो शूट कर नहीं पाऊँगी, वहाँ थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, तो मैं कल दिखाऊंगी कि अंकल जी क्या लिख कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा अच्छा बनाया है उन्होंने, ऊपर जैसे मैं चाह रही थी वैसे ही बनाया है। सो आज माशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो गया, हमारे कुरान खानी भी अच्छी हो गई, मिलाद शरीफ भी अच्छी हो गई, और जितने गेस्ट मेहमान आए थे नानी की तरफ से, दादी की तरफ से, सब कुछ माशाल्लाह अच्छा हो गया, हमें बहुत खुशी हुई। और बस अब कल भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, कल मैं अपना काउंटर देखने जाऊँगी और फिर मंगवाऊँगी, यहाँ पर लेकर आऊँगी, और फिर सामान वामान भी फिट करना है, तो फिर उसके बाद मिलते हैं। चलिए अब कल का दिन देखते हैं कैसा होता। आज मेरे को वैसे भी हाँ एक ऑर्डर है, रसम है, मुस्लिम हल्दी, सो मेरे को वहाँ पे भी जाना है, तो आज देखते हैं कि रसम में क्या होता है। ग्रूम साइड है, मेरे साथ लड़का जाएगा आशीष जो वीडियो करता है, और साथ में मैं जा रही हूँ। ओके, मिलते हैं फिर, बाय बाय। सो गाइस, प्रोग्राम के लिए रेडी हो गए, रसम में जा रहे हैं, रसम की तैयारी हो गई है सब,
पार्टी का फोन भी आ गया है, तो हम निकलते हैं। बाय बाय।